हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। खबर है कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया है, जबकि लोग बाढ़ कोर्ट में इंतजार कर रहे थे कि बाढ़ में अनंत सिंह सरेंडर करेंगे, लेकिन उसके ठीक उल्टा बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हम आपको बता दें कि पहले ही उन्होंने कहा था कि हम जो है पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं न्यायालय में सरेंडर करूंगा। साथ ही अपने तीसरे और आखिरी वीडियो में उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, और इस साजिश में उन्होंने तीन प्रमुख लोगों का नाम लिया था। उन्होंने पहला नाम लिया था ललन सिंह का, दूसरा नाम नीरज कुमार का, और तीसरा बाढ़ की एसएसपी लिपि सिंह की। तीन व्यक्तियों पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। हम आपको बताते चलें कि लिपि सिंह जो एसएसपी हैं बाढ़ से, वो जेडीयू के नेता आर सीपी सिंह की बेटी हैं, और विधायक अनंत सिंह ने इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाया था, और उन्होंने कहा था कि ये तीनों जो हैं साजिश रच के उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं। अपने तीसरे वीडियो में अनंत सिंह ने कहा था कि एनटीपीसी में हुए मीटिंग में जेडीयू नेता ललन सिंह, एमएलसी नीरज कुमार और बाढ़ की एसएसपी लिपि सिंह मौजूद थी। वहां मोकामा के ललन सिंह को बुलाया गया और हथियार मेरे घर पर भेजने को कहा गया। इसके बाद लिपि सिंह ने छापेमारी कर मुझे फंसाने के लिए मेरे घर से हथियार बरामद कराया। मुझे विश्वास है कि जब मैं पुलिस के समक्ष सरेंडर करूंगा तो मेरे साथ एक और हथियार दिखा दिया जाएगा, इसीलिए हम पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले अनंत सिंह के पैतृक जो घर है लदवा में, वहां पर पुलिस ने छापेमारी की थी और वहां से AK-47 राइफल बरामद की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था और तभी से अनंत सिंह फरार चल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने न्यायालय में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, और इसी के साथ जो पुलिस के साथ उनकी आंख मिचौली का खेल चल रहा था वो समाप्त हो गया है। इससे पहले पटना पुलिस अभी कुछ देर पहले तक इस फिराक में थी कि अगर वो सरेंडर करने आते हैं तो उनसे सरेंडर करने से पहले उन्हें दबोच लिया जाएगा, लेकिन पटना पुलिस कयास लगाती रह गई और अनंत सिंह उनसे आगे हमेशा दो कदम रहे। अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया जाकर के अदालत में, जैसा उन्होंने वीडियो में कहा था वैसा कर दिखाया, यानी कि बिहार पुलिस अनंत सिंह के सामने एक बार फिर बौनी साबित हुई है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।